जब भी मैं इस अहमदाबाद सिटी गार्डन में आता हूँ मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाती है। चलो मुझे वहाँ झूला झूलना है। अरे आशु ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है यारी। अरे किसी तरह सिर्फ कुंफू की पोज दिखा दी तो सारे डॉगे इस तरीके से भाग गए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग भूखी को मारे हो, मैं तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगी। अरे नहीं, हमने मारे नहीं। वैसे आप कौन हो? वो सारे डॉगीज मेरे हैं, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ और एनिमल्स के अधिकार के लिए लड़ती हूँ। देखो तुमने उन डॉगीज को डरा दिया, मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। हम पर कैसे मदद कर रहे थे और पहले तो उनको मारना है। नहीं नहीं हो, अब तो तुमको जेल ही जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। भूत तो चाली पुलिस स्टेशन। बाय बाय। अरे भाई साहब भरोसे नहीं तो, ये औरत जो अभी अभी गई है कौन? अरे ये जगह जगह जाकर लोगों पर केस करती है। यहाँ डोगी ज्यादा हो गए हैं ना, और कभी कभी भोंकने लगते तो कभी कभी अटैक भी करते। अगर किसी ने डोगी को डाइट भी दिया ना तो ये पुलिस कंप्लेंट कर देती है। बोलो इससे तो पुलिस भी परेशान है। नाम क्या है इनका? मैं नाम नहीं बताऊंगा। अगर मैंने नाम बताया और आपने कल को कुछ कर दिया तो ये मुझे ही फंसा देगी। आप खुद ही नाम पता कर लो। अच्छा ठीक है ठीक है। पता नहीं वो डॉगीज ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। अरे मैं राइट मुझे राइट क्या? अगर मेरे बस चले ना तो मैं उस डॉगी को गायब कर दूंगा। अरे मैं अपने बातों से संभर आपका भूत के मामा जितने हर से अरे मुझे कहाँ गया? ओए मेरे भाई, मेरी यारों डरो मत। मैं एक मंत्री को जानता हूँ, मैं उन्हें अभी फोन करके बुलाता हूँ। तुम लोग तब तक जाकर खाने का बंदोबस्त करो यारे। हेलो मेहता जी, डॉक्टर झटका बोल रहा हूँ, मंत्री जी हैं? अरे झटका जी बोलिए, क्या हुआ? खबर मिली है। ओए बताओ तो सही, हुआ क्या? दो दिन पहले किसी ने डॉगीज को गायब कर दिया, उनके और उनके दोस्तों के खिलाफ सख्त एक्शन हो गई। ओए मेरे पैर मेरे यार, चिंगम सरे इधर आओ, तुमसे कुछ काम है। डॉगीज को गायब कर दिया। मुझे मंत्री जी के पीए ने बताया कि दो दिन पहले डॉगीज को तुमने गायब कर दिया यारी। अरे मां डॉक्टर झटका, तुमको लगा है दिमाग का झटका? दो दिन पहले तो हम लोग यहाँ थे ही नहीं, हम लोग तो आज ही यहाँ आए हैं। ओए मेरे भाई मेरे यार, दो दिन है, ये सब जो है ना दिमाग से निकल ही गया, खाली गायब कर दिया वाला ही दिमाग में आया। सॉरी सॉरी, चलो कुछ खाते हैं। चलो कुछ खाते हैं। ओ भाई सुन, मैं बोल रही हूं।
फड़ भैया, क्या हम लोग डॉगीज से बात करके पता कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसी एक्टिंग क्यों की? ओए मेरी फैमिली यार, जरूर है। ये लो यारी, मैंने तुम्हें पहना दिया है स्पेशल बैंड है, अब तुम डॉगीज से बात कर सकते हो। अरे डॉगीज भाई, आपको तो पता है कि हमने आपको नहीं मारा, फिर भी आप इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? तुमने मारने का एक्शन किया तो हमने चिल्लाने का एक्शन किया। अरे बेवजह कोई इतनी जोर जोर से चिल्लाता है क्या? और वो कौन है जो डरने की एक्टिंग कर रहा था? कौन है? मैं? कैसे थी मेरी एक्टिंग? अरे डॉगी बड़े भैया, एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अब तुम लोग मारने की एक्टिंग कर रहे थे तो मारने की एक्टिंग के साथ एक्शन भी होना चाहिए ना। अरे तुम्हें पता है, एक लेडी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है, हमें पुलिस कभी भी बुला सकती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे सच कहें तो हम भी उस लेडी से परेशान हैं। जब से वो यहाँ आई है तब से लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। पहले लोग हमें पुचकारते थे, प्यार से खाना खिलाते थे, लोग हमें दोस्त समझकर प्यार करते थे, और अब हमें देखकर भाग जाते हैं। अरे तो तुम ही उसे सबक सिखाओ, हम उसे कुछ नहीं कर सकते। तुम किसी तरह से उससे हमारी बातें सुन सके, वैसा कर दो, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है। पतलो, इंस्पेक्टर को भी बैंड लगा दो ताकि वो भी डॉगीज की बातें सुन सके, समझ सके। लो, हो गया। इंस्पेक्टर सर, वो लोग इसी इलाके में मेरे प्यारे डॉगीज को बुरी तरह मार रहे थे। मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? अरे ये क्या, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ और तुम भी मुझे समझ सकते हो। मैं महान हूँ, ये मेरी इतने सालों की सेवा का असर है। मैं जानवरों की बात समझने लगी हूँ। अरे इनकी बात तो मुझे भी समझ में आ रही है, ये तो चमत्कार हो गया है। ये शायद आपकी संगत का असर है। आप इंस्पेक्टर सर, इन प्यारे प्यारे बच्चों को उन लोगों ने बुरी तरह से मारा, उनको छोड़ना मत हो। अरे काहे को झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं? हमने उन पे अटैक किया तो वो हमें भगाने के लिए कुछ तो करेंगे ही ना, या अपनी टांग सामने करके बोलेंगे लोग काट लो, वरना आप आ जाएंगी। इंस्पेक्टर, उन्होंने सिर्फ पाने की एक्टिंग की थी, मारा नहीं था। ये औरत सबके खिलाफ झूठी शिकायत करके परेशान करती है, और हमारे डर से जो लोग यहाँ से भाग जाते हैं उनका जो सामान रहता है, पर्स मोबाइल वगैरह, ये सब चोरी करती है। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। उन शरीफ लोगों को और उन जैसे तमाम शरीफों को परेशान करने के लिए हमारी लेडी सजा देंगी। तुम तुम्हारी लेडी यानी हम? अरे आज ये डॉगीज थोड़े शांत लग रहे हैं। विश्वास ही नहीं होता कि ये कल के ही भूखार डॉगीज हैं। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। अब हमें हमारे सारे दोस्त वापस मिल गए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉगीज की भाषा मैं कैसे समझ गया है। ये डॉक्टर छट्टा का गैजेट है ना, इसकी वजह से। हेलो, अच्छा हुआ ओ सारू। हम भी उस लेडी से बहुत परेशान थे। कम ऑन, आप सबको मैं पार्टी देता हूँ, सिर्फ आपको ही नहीं, इन सारे प्यारे प्यारे डॉगीज को भी दूंगा। एकदम खुश हो जाता है कि उबड़ भैया। मुझे एकदम सही कहा यार। वाह, एक सेल्फी सेशन हो जाए। चलो।
अरे हमें कैक्टस बना दिया किसी ने, ये कैसे हो गया? यहाँ कोई बीमारी फैल गई है, चल के देखते हैं आखिर माजरा क्या है। डॉक्टर कैक्टस के कैक्टस से सभी परेशान हैं। देखो कैसे भाग रहे हैं, अब मेरा सपना पूरा होगा। चिल्ला मत। जिसने भी तुम्हें कैक्टस बनाया है वो यही कहीं आसपास होना चाहिए। चारों तरफ देखो और नजर रखो। अच्छा ये खुजली क्यों हो रही है? मैं कैक्टस कैसे बन गया? वो देखो वहाँ वो व्हाइट कोट में तो चला जा रहा है। चुपचाप उसका पीछा करते हैं, पता करते हैं कि वो कहाँ जा रहा है और करता क्या है। हमें उसको पकड़ना है। तुम जो भी हो रुक जाओ। ओए तेरे की, मैं तो एक्सपोज हो गया। अरे बस कर, कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे? अरे मोटू, तुम्हें बोला था ना कि चुपचाप उसका पीछा करते हैं, और तुम हो कि अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रख सकते। सॉरी, मेरी सॉरी गलती हो गई, मैं जोश में होश खो बैठा। ये क्या कर रहे हो तुम? भागो यहाँ से, सारे कांटे चुवा दिए। उसे यही कहीं होना चाहिए। तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे हो। तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। अरे चलो तुम लोग यहाँ हो। उसके भी कैक्टस बना दिया। इंस्पेक्टर चिंगम। अयो मा चिंगम सर, क्या हुआ? इस ड्रोन को चकना चूर कर दो। ओके सर। अयो हमें कैक्टस बना दिया। आपकी वजह से हम कैक्टस बन गए। ये तो हमने सिर्फ एक ड्रोन को खत्म किया है, लेकिन इसके पीछे इसको चलाने वाला कौन है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। छटका कुछ करो, तुम्हारे पास भी तो ड्रोन है। मैं अभी ड्रोन भेजता हूँ यारी।
उन लोगों ने मेरा ड्रोन तबाह कर दिया। जाओ जाकर ढूंढ कर उनको पकड़ कर लेकर आओ। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ हाजिर हैं। अरे तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या तुम्हारा ही ड्रोन हो सकता है? हमारा नहीं, जरा ऊपर तो देखो, हमारा ड्रोन यही उड़ रहा है। हमने उससे ट्रैक करके तुम्हारा पता लगा लिया। अब बताओ यहाँ चल क्या रहा है? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? मेरे प्लान के बीच में मत आओ वरना अच्छा नहीं होगा। पकड़ लो इन सभी को। पकड़ लो इन सभी को। रुको रुको रुको, सुनो। आओ भाई आओ, हमें पकड़ के दिखाओ। पकड़ो पकड़ो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इन्हें पकड़ क्यों नहीं रहे हो? इतने सारे कांटे हैं इनके बदन में, पहले कांटे हटाओ फिर पकड़ेंगे इनको। ओहो, अब इन्हें ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब उठा के फेंक दो इन्हें। मुझे भूख लग रही है, मैं समोसे खा लूं। अच्छा खा लो। अब आ जाओ। उठाओ उठाकर फेंक दो। अरे ऊपर क्या देख रहे हो? अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर कैक्टस। आउच, ये क्या? मैं कैक्टस और मुझे ही कांटे चुभा दिए। अब सही सही बताओ, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाने से मेरा फेस कैक्टस जैसा हो गया। मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए लेबोरेटरी बनानी थी और उसके लिए मुझे एक बड़ी जगह चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि सभी को कैक्टस बना दूंगा। तो डर के मारे लोग यहाँ नहीं आएंगे, और जब कोई यहाँ नहीं आएगा तो मैं अपनी लेबोरेटरी सेटअप करके एक्सपेरिमेंट कर सकूं अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन तुमने तो हमें ठीक कर दिया। वो थोड़ी देर के लिए, मैं चाहता हूँ कि परमानेंट इलाज हो सके। थोड़ी देर में तुम फिर कैक्टस बन जाओगे। अब हम क्या जीतने की बहुत ऐसा ही रहेगा। ओए मेरे भाइयों, मेरे यारों, मैं हूँ ना, मैं अभी सबको परमानेंट ठीक कर देता हूँ। ये लो। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर झटका, तुम मेरे से भी बड़े साइंटिस्ट हो। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। अरे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। चलो सबको चल के गर्मा गर्म समोसों की पार्टी दो। डॉक्टर झटका, हम आगे जाके समोसे की पार्टी की तैयारी करते हैं, तब तक आप कैक्टस बने लोगों को नॉर्मल करके वहाँ पहुँचाओ। ठीक है यार। Thank you.
में घूम के मजा आ गया। वो देखो सामने हावड़ा ब्रिज, चलो उधर जाके फोटो खींचते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? साइड साइड सब प्लीज साइड हो जाओ, चलो चलो साइड हो जाओ। क्या बात है, ट्रैफिक क्यों रोक रहे हो? एक खतरनाक अपराधी को पकड़ कर यहाँ से वैन में ले जा रहे हैं, तो वो वैन को पास होने के बाद ही हम ट्रैफिक छोड़ेगा। चलो वैन के अंदर, चलो वैन के अंदर। हम अपराधी नहीं है, हमको छोड़ दो। मुझे बताइए ना, हम तो यहाँ साइड में खड़े थे, हम तो टूरिस्ट है, हम तो यहाँ घूमने आए हैं। और मेरा भाई पंडित राम वो भी इंस्पेक्टर है, आप उससे पूछ लो। अरे पुलिस राम तुम, शुक्र है तुम आ गए। बुद्धू बनाए ना, डर गए थे ना तुम लोग? ओहो थैंक यू ऊपर वाले, आपने तो हमें सच में डरा दिया था पंडित राम जी। डराने का हमको 21 साल का तजुर्बा है, सीताराम को तो हर चीज का सिर्फ 20 साल का ही तजुर्बा है। बहुत ही अच्छा तरीका था डराने का, लेकिन ये तो बताइए कि अपराधी है कौन, है किसे ले जा रहे हैं वैन में, बताइए ना प्लीज। अरे बाबा वो क्या वहाँ बैठा है? मेरा नाम है जोंगली बाबू, मैं रहता नहीं हूँ किसी के काबू, अभी निकल जाऊंगा और तुम लोग देखते रह जाओगे। हमेशा तुम निकल जाते हो, आज मैंने एक्स्ट्रा मदद की है, आज तुम कैसे निकल जाओगे? देखते जाओ। गाड़ी तेज चलाएगा तो पकड़ के जेल में डाल देगा। जाने दो, उसको जाना होगा कहीं जल्दी में। मैंने कहा था ना, मैं हूँ जोंगली बाबू, आता नहीं हूँ किसी के भी काबू। अरे इसको जाने नहीं दे सकते हैं, पकड़ो उसे। साल का तजुर्बा में हम हावड़ा ब्रिज में कभी भी जंगल नहीं देखा, कैसा लोग है ये, कौन है ये लोग? तुम 20 साल का बात करता है, हमने हमारा 21 साल के तजुर्बा में कभी ऐसा नहीं देखा। मेरा नाम है जंगली बाबू, आता नहीं हो किसी के भी काबू, मैंने बोला था आप लोगों को अभी भी समय है, लाओ जाओ नहीं तो तुम लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम वापस नहीं जाएंगे, हम एक बार किसी के पीछे पड़ गए तो पड़ गए, हम उसे छोड़ते नहीं है। कैसी तुम्हारी मर्जी। बुरी बाबा, ये क्या कर रहा है?
दरिया में कूदो जल्दी। अरे उसे पकड़ना होगा। अरे ये किधर गए? अरे पहले चाटे तो निकाल ले दो। कैसे चलूंगा? अरे माँ वो नजदीक आ रहे हैं। अरे मैं अभी कुछ करता हूँ यारी। मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ यारी। नहीं छोड़ेगा। दस खत्म हो गए। तो तुम तो फाउला भी मैन है। एक घूसा मारकर तोड़ दो कार के हुड को। भागो कार गिरी आ रही है। मेरा तो हाथ ही टूट गया। मेरा नाम है जंगली बाबू। अरे मुझे मालूम है कि तुम किसी के भी काबू में आते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें काबू करके रहूंगा। मुझे काबू करेगा? अभी तुम्हें मजा चौंकाता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये पानी की धार ये फनेल में क्यों डाल रहा है? ये पानी की धार नहीं है। अरे ये तो कोई केमिकल है। केमिकल? लेकिन पतलू वो इस केमिकल से करेगा क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं कि केमिकल से ये क्या करेगा? भागो पलट के। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ मोटू जाओ और उन्हें पकड़ लो। ऐसा कैसे भागता हुआ चले आ रहा है? ये क्या हो गया है अचानक? मैं हार गया, तुम्हारे काबू में आ गया। ये बताओ कि ये जंगल कैसे बनाया? हमारा एक रिसर्च लैब है जिसमें हम ऐसा सब परीक्षण करते रहते हैं। ये जंगल हमने रिसर्च करके बनाया था ताकि हम पकड़े गए तो जंगल बनाकर उसमें से भाग निकलेंगे, लेकिन लेकिन तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दी। अरे अगर इतना अच्छा ट्रीज बनाने का फॉर्मूला है तो इसे अच्छे कामों में यूज करना चाहिए ताकि सब जगह हरियाली ही हरियाली हो, ना कि गलत काम के लिए। मत बदलो। थैंक यू वेरी मच। हम अपने 21 साल के तजुर्बे में तुम जैसा लोग नहीं देखा। तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। हम तुम्हें सरकार से इनाम दिलवाएगा। दिलवाओ या मत दिलवाओ, करना गरम समोसे तो खिला दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। मोटू तुम्हें पता है यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण
इस जगह का नाम एलिफेंट पड़ा है। अरे वाह, तो यहाँ घूमने में बहुत मजा आएगा। अरे इंस्पेक्टर ताइक्वांडो जी, आप यहाँ कैसे? हम लोग एक अपराधी जादूगर लंबे कान को ढूंढ रहे। वो लुटेरा जादूगर है, लोगों को लूट लेता है। अच्छा? उसके पास मैजिकल पावर्स है। आप लोग जाओ, कोई नहीं। इसका मतलब है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, यहीं से लौट चलो। अरे नहीं 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 नहीं, हम डरते हैं क्या किसी जादूगर से? चलो चलो, हम अंदर चलते हैं। तुम लोग अपना ख्याल रखना। बेटा तुम्हें यहाँ बहुत सी सुंदर केव्स देखने मिलेगी। अरे भैया, सॉरी सॉरी, आपका सांपा गिरा दिया। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, आपने सॉरी बोल दिया, मामला खत्म। ओके ओके। अरे कितना जेंटलमैन था वो, कितनी बुरी तरह से टक्कर लगा मेरा उसे, फिर वो बोला कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। अरे तुम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ और तुम लोग ये क्या स्टैचू स्टैचू खेल रहे हो? अरे उधर देखो, उसके लंबे कान, वो अपराधी जादूगर लंबे कान है। अरे हाँ, जादूगर लंबे कान, तुम बच नहीं सकते। चलो यार, मारा। जादूगर, बहुत हुई लुका छुपी, देखता हूँ मुझे कौन पकड़ता है। इस जादूगर का मैजिक पावर तो भीत का भी नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे मोटू जी, पतलू जी, आप लोग ये क्या कर रहे हो? जादूगर, वो देखो, वो उधर है। क्या? इधर? कामले, सावन, तुम यहाँ ढूंढो और तुम वहाँ ढूंढो। मोटू पतलू जी, आप लोग ऊपर उड़ कर जाओगे और अगर आपको कुछ पता चले तो तुरंत मेरे को इन्फॉर्म करना। ओके ताइक्वांडो सर। और मैं यहाँ ढूंढता हूँ। कहाँ छुपा है ये जादूगर लंबे कान? चलो सब लोग ऊपर से नीचे डाइव मार के एक साथ उसे पकड़ लेते हैं। चलो चलो। अरे जादूगर लंबे कान, तुम बच नहीं सकते। तुम लोगों को तो मैं अभी तुम्हें और मजा चखाता हूँ। बड़े भैया, एक और जादू। एक मिनट, टाइम प्लीज। ओके। अरे तुमको क्या जरूरत थी चिल्लाने की? पहले उसको पकड़ लेते, फिर चिल्ला के। बदलो, तुम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाओ यार। सॉरी, गलती हो गई रे। तुम लोग लगे रहो, मैं तो चला। चलो उसको सबक सिखाते हैं। चलो यार, जादूगर मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे बच के यहाँ जाओगे। वो अभी भी अंदर
भिखारी छुपा हुआ है। हम लोग सामने से जाके उसे बिजी रखेंगे और मोटू तुम पीछे से जाके उसे पकड़ लेना। ठीक है। अरे ये क्या कर रहा है? बाय बाय। जादूगर लंबे कान, तुम बच के कहीं भी भाग नहीं सकते। सरेंडर कर दो अपने आप को, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। छोड़ दो मुझे। अरे क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग? क्या 5,000 के लिए सारे लोग, सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे पड़ गई है? मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, अरे घर का राशन लाना है, मैं क्या करूं? मैं भागते भागते थक गया हूँ। अरे हमें नहीं पता था कि तुम्हारा दर्द इतना बड़ा दर्द है। सॉरी, हम तुम्हारे पीछे पड़ गए। अरे 5,000 की ही तो बात है, हम ही दे देंगे। तुम चिंता मत करो। आप कितने महान हैं, कितने दयालु हैं। आप पैसे क्यों दोगे? पतलू रे, ये बहुत दुखी है। चलो टाइगर जी को 5,000 रुपए दे देते हैं और केस क्लोज कर देते हैं। क्या 5,000 रुपए के लिए ये बेचारा ऐसे ही जेल जाएगा? कुछ गड़बड़ लग रही है। 5,000 के लिए पुलिस इनके इतने पीछे नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं उसका दर्द सह नहीं सकता। बाबा, तो सिर्फ तुम हमको इतना बताओ कि तुम किस का दर्द सह सकता है? मेरे बच्चे। अरे पहले पुलिस के पास तो चलो। अब उनका क्या होगा? बस गए मेरे जाल में। हाँ मोटू जी, इधर है, बताओ मुझे। वो वहाँ अंदर है, लेकिन वो बहुत दुखी है रे। आपको उसका दर्द नहीं पता। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है, उसको घर का किराया देना होता है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी होती है। आप उसके पीछे सिर्फ 5,000 के लिए पड़े हैं। हम देते हैं उसके पैसे, हम, ये लो। ये क्या है मोटू जी? 5,000 रुपए। अरे मोटू जी, उसने आप लोगों को उल्लू बनाया। अरे 5,000 करोड़ रुपए की उसने चोरी किए। किधर है वो बदमाश? किधर है? हमें उल्लू बनाया उसने। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अभी जल्दी कुछ सोचो, उसके पास तो मैजिकल पावर है। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। जादूगर लंबे कान, अब खत्म होगी तुम्हारी दास्तान। ये फिर से कोई मैजिकल पावर अपनी तरफ फेंक रहा है यार। आपको रेस कैसे नहीं लगी? मेरी यार, मैंने ये चश्मा पहना है ना, तो उसके हाथ से जो रेस निकलती है मुझे दिखाई पड़ती है यारी, तो मैं बच जाता हूँ। हमें चश्मा क्यों नहीं दिया आपने? रुको यार, मारने से पहले सुनो तो। मैं देख रहा था कि वो जादू कैसे करता है। उसके हाथ में गैजेट है जिसे वो रेस निकलती है। अगर हम लोग वो गैजेट निकाल देंगे ना, तो वो जादू नहीं कर पाएगा यार। ये लो, चलो शुरू हो जाओ। अरे किधर जा रहे हो लंबे कान जी?
अभी तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। चलो खेल खत्म। पैसा हटो। ये लीजिए अपना 5,000 करोड़ वाला चोर। इसके पास कोई जादू नहीं है। इसके गजर से रेज निकलती थी। ये लीजिए इसके कान भी नकली है। थैंक यू मोटू पतलू जी। अच्छा हुआ आपने इस नकली जादूगर को पकड़वा दिया। अब ताइक्वांडो उसको अपना जादू दिखाएगा लेकिन जेल के अंदर। बाय बाय। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।